जैसे मेरे बिना सृष्टि का शून्य है, वैसे ही जल एक जीवन का आधार है। आइए आप सबको एक घर की कहानी से दिखाता हूं। Thank you.
रहते थे वही आज पानी में नहा रहा था। यार नहाने को तो क्या पानी पीने को मुश्किल से मिल रहा है, अब तो मैं नहाने के बजाय माथे पे हाथ रखकर बंद स्नान कर लेता हूँ और पीने का पानी को मैं तिजोरी में रखता हूँ। लगता है तुमने पिताजी से सीख याद नहीं रखा। वो क्या था पापा? देखो मैं पानी संरक्षण का सब विद्या अपना कर मैं मेरा जरूरत का पूरा काम कंप्लीट करता हूँ। ओके सर। देखो मैं मेरा घर का नीचे एक बड़ा सा टैंक है, तो बारिश होता है तो क्या होगा, वो पानी उधर जमा होगा और वो जमा होगा पानी से मैं महीनों तक इस्तेमाल करता हूँ। बढ़िया भैया। खाली यही नहीं, जो घर का जो निकासी पानी है उसको एक सोखता हुआ गड्ढे में डाल देता हूँ ताकि भूमिगत स्तर भी बरकरार रहे। बढ़िया भैया। देखो मतलब तो साफ है, इस जल संकट का समय जल संरक्षण का नीति अपना कर ही हम लोग का आने वाला जीवन को सुखी कर सकते हैं। सही कहा भैया। और आज से मैं भी जल संरक्षण का नीति अपनाऊंगा। चलो और सबको भी बोलते हैं। चलिए पिताजी। देखा आप सभी ने, अगर नीरज की तरह समूल्य नीति का अपमान और बर्बाद करोगे तो दुखी रहोगे और अपना अस्तित्व भी मिटा दोगे, बादल की तरह जल संरक्षण करोगे तो सुख से रहोगे और अपना अस्तित्व भी बचाए रखोगे। गांधी ने तो कहा भी है कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण सिर्फ पानी ही होगा। रहिमन पानी रखिए, पानी बिना सब सुन, बिन पानी सब रोते, अवधि तुम मोती मानुष सुन।